देख रहे आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। कवासी जनपद में आज पिकअप की टक्कर से खाई में पलटे ट्रैक्टर और ट्राली। ट्रैक्टर चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को पहुंचे अस्पताल। भिंगा जिला चालक के पास की घटना। हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द की मिसालें देखने को हापुड़ जनपद के गांव देहरा में मिली है, जहां शंख और अजान की पावन गूंज साथ साथ गूंजती है। गांव के मोहल्ला मिर्चियान में मौजूद मंदिर मस्जिद एक ही नींव पट्टी के होने के बावजूद भी निर्धारित आरती और अजान सदियों से होती चली आ रही है। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में रोडवेज स्थित एक पैलेस में भारत को जानो विषय पर स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री व सामाजिक कार्यकर्ता अनु अग्रवाल रही। प्रतियोगिता में जिले के कुल 23 टीमों ने भाग लिया। इसमें सीनियर टीम में दयानंद इंटर कॉलेज, अमृत पब्लिक स्कूल द्वितीय व तत्वबोध हाई स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर में सीक्रेट हार्ट स्कूल, प्रथम चंद पब्लिक स्कूल द्वितीय व लिटिल फ्लावर स्कूल की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समारोह यूपी के मऊ जनपद में किया गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए भी, और मऊ जैसी जगह कहाँ कब आना होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। चल रहे कैसीनो को बंद करवाने के लिए अनशन पर बैठे राहुल गुप्ता को नेपाल के डीएम के द्वारा आश्वासन देने पर समाजसेवी और व्यापारी प्रतिनिधि के अपने हाथों से राहुल गुप्ता के द्वारा जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल में कई माह से एक कैसीनो जुआ घर चलाया जा रहा है, जिसके चलते कई लोगों को जीवन बर्बाद होता देख राहुल गुप्ता बैठे थे अनशन पर। यूपी के लखीमपुर खीरी के नेपाल सीमा पर लगातार हो रही तस्करी और अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 70 ग्राम स्मैक, 4 अदद मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई और साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों में से एक का नाम इमरान तो दूसरे का नाम मोहम्मद बताया जा रहा है। वहीं स्मैक की कीमत लगभग 70 लाख बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया इमरजेंसी सेवा ठप। आक्रोशित डॉक्टरों ने मरीजों को भी देखने से किया माना। ताज़ा मामला जिला अस्पताल में रविवार की देर रात कुछ लोगों ने स्टाफ से जमकर अभद्रता की, जिसपे अस्पताल में रखे अभिलेखों को नष्ट करने का प्रयास भी किया गया। डॉक्टरों पर गलत दवा देकर मार डालने का आरोप लगाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परसों रात में स्थानीय लोग कुछ आए थे, जिसमें गले में सूजन थी, टांसिस जिसे बोलते हैं, उसका इलाज ये उन्होंने किया था, खाने वाली गोली दिया था, एरिथ्रोमाइसिन और डाइक्लोफेनाक। 2 घंटे बाद जब वो लोग लेके आए रात में एक बजे या 1:15 बजे मरी मृत अवस्था में ले आए। उनका ये आरोप था कि आपकी गलत दवा के कारण ये मारा हुआ है और आपने गलत सुई लगाई, जबकि सुई लगी नहीं। एमरजेंसी बंद है तो मरीजों को नहीं देखा जाएगा, जो क्रिटिकल मरीज है उनको प्रॉब्लम होगी, डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा सीरियस मरीज है। गाजीपुर धावा शरीफ में बड़ी ही धूमधाम से सैयद उबैदुर रहमान चिश्ती अलहई रहमान धावा शरीफ का चौथा सालाना उर्से पाक मनाया गया। उर्से पाक में हिंदुस्तान के दूर दराज से मशहूर उलमाए करम मौजूद थे। इस उर्स में दूसरे राज्यों के लोग भी बड़े ही अकीदत से शामिल हुए और दुआ खानी करते हैं। इस उर्स पार्क में लोग अपनी सेहत और परेशानियों के लिए दुआ खान करते हैं। इस उर्स में गाजीपुर जिले के उलेमा भी मौजूद रहे। जनपद के कानपुर देहात के थाना रोरा क्षेत्र के दिल्ली हावड़ा रोड की क्रॉसिंग पर उस समय हड़कंप मच गया जब बंद फाटक के बावजूद रेलवे ट्रैक को बाइक सवार युवक ने पार करने की कोशिश की। ट्रैक पार करते समय युवक शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया और बाइक के पर कच्चे उड़ गए और बाइक सवार युवक का अभी तक पता नहीं चला। लेकिन क्रॉसिंग पर खड़े कई लोग बाइक के टुकड़े टुकड़े से लगने से घायल हो गए, जिन्हें 3 लोगों में ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है। गिरी के थाना पसगवा के अजवापुर रोड का है, जहां चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में बैठी सपा नेत्री साजिया व कार चालक ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयंकर थी, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी घटना होते होते बच गई। आपको बता दें कि गाड़ी कस्बे के बीचों बीच में धू धू कर पूरी कार आग के आगोश में समा गई। फिलहाल सपा नेत्री साजिया ने तत्काल 100 नंबर को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची 100 नंबर की पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कार में लगी आग को बुझाया।
यूपी के जनपद बहराइच में कई ग्रामवासियों को शिकार बना चुकी मादा तेंदुआ फॉरेस्ट विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में आखिरकार कैद हो गई। यूपी के जनपद बहराइच के थाना रामगांव अंतर्गत तेंदुआ का कहर लगातार जारी था। तेंदुआ कभी ग्रामवासियों के बच्चों को तो कभी महिलाओं को तो कभी पुरुषों को अपना शिकार बनाती रही। ये काफी चिंता का विषय था। स्थानीय निवासियों के लिए इससे क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल बना रहता था, लेकिन घटनाओं के बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम ने घटनाओं के मद्देनजर अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए मादा तेंदुए को आज पिंजरे में कैद कर लिया है। कार भी वहां पर उपलब्ध हो रहा, जिसके कारण से लगभग 3 से 4 तेंदुए वहां लोकलाइज हो गए थे और 3 पकड़ लिए गए हैं। और फिर भी अभी हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, अगर कोई झूठा होगा तो उसको भी पकड़वा लेंगे। हालांकि अब संभावना 3 महीने पहले जब ये घटना हुई थी, एक बच्चे को शिकार बनाया था तेंदुओं ने, उस समय 2। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ आई इंडिया न्यूज पर, क्योंकि हम रखते हैं आपको सबसे आगे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत।